नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जो हम लोगों के चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं या जो फैमिली ट्रॉमास होते हैं या जो हम ग्रजेस होल्ड कर लेते हैं और फॉरगिविंग करने में प्रॉब्लम आती है हम लोगों को अपनी ही फैमिली के साथ, तो उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करें। क्योंकि ये जो ग्रजेस हैं और ये जो हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं अपने ही लोगों को या अपने फ्रेंड्स को, तो ये सब क्या है, ये एनर्जेटिकली ब्लॉक बना देते हैं हम लोग की जर्नी में, जो कि हम लोग को मुश्किल करते हैं आगे बढ़ने में और प्रेजेंट मोमेंट में भी फोकस करने में मुश्किल करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले हैं या कुछ आपके चाइल्डहुड वूंड्स कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ये फैमिली सूटेबल नहीं है, या आपको जो अभी तक फ्रेंड्स मिले हैं वो आपके धोखे मिले हैं फ्रेंडशिप से, या आपको कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ गलत लोग मिले हैं आपको, तो अगर आप ये सोचते हैं कि और भी दुनिया में चीज़ें परफेक्ट है, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सत्य है, परफेक्ट कोई फैमिली नहीं है, परफेक्ट कोई फ्रेंडशिप नहीं है। बस ये है कि हाँ कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं किसी और दूसरों के कंपैरिजन में। और रही बात चाइल्डहुड वूंड्स की, तो उसके बाद तो कोई भी कितना भी पेरेंट कॉन्शियसली अपने बच्चों की परवरिश करे, अपब्रिंगिंग करे, पर वो अपने बच्चे को चाइल्डहुड वूंड्स से नहीं बचा सकता। हम किसी भी बच्चे की परवरिश परफेक्टली एक एडल्ट बनने के लिए नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ट्रुथ है। ठीक है, ये अगर आप ये सोचें कि आज अगर आप ये इतने स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं, इतना कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अगर हम लोग जैसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी में हैं, और अगर हम ये सोचें कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इतना ग्रो कर रहा है कि आज हम लोग 5D लेवल पर सोच सकते हैं और वो भी हायर कॉन्शियसनेस में सोच सकते हैं हम लोग, और फिर अगर हम सोचें हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को बिल्कुल इतने अच्छे से कॉन्शियसली पेरेंटिंग देंगे कि उनको हर चाइल्डहुड वूंड से बचा कर रखेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो लॉजिकली और टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी अच्छे से उनकी पेरेंटिंग करें, फिर भी कुछ ना कुछ चाइल्डहुड वूंड्स रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप अभी तक अपने माता पिता से, मम्मी पापा से, या को अपने जो भी या जिन्होंने आपकी पेरेंटिंग करी है, या आप यहाँ तक पहुँचे हैं और ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे कि नहीं मेरे तो पापा ने ये किया, मेरे तो मम्मी ने वो किया, तो ऐसे आप इस जर्नी में नहीं बढ़ पाएंगे। जो जिन्होंने आपको खुद जन्म दिया, जिनसे आपका सोल का इतना करीबी नाता है, अगर आप उनको ही फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगे। इतना मतलब इतना छोटा सोच है अगर हम लोगों की, इतनी छोटी कॉन्शियसनेस है, तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है, सच तो ये है कि हम जब इस धरती पे आते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, यहाँ जिन लोगों से भी हम मिलते हैं उसमें उनका दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, ना हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट है, ना उनका कोई पर्सनल बेनिफिट है। बस बात ये है कि हम लोग जब भी यहाँ पर मिलते हैं जिस किसी से भी इस धरती पर, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि हाँ हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपसे हम कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर आने से पहले भी आपने अपने माता पिता खुद चुने हैं, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है वो भी आपने खुद चुना है लेसन्स लर्न करने के लिए। अब वो आप पे है कि हम लोग यहाँ पर आके हम 3D कॉन्शियसनेस में, धरती माया रूप में इतने घुल मिल गए हैं, इतने मदहोश हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं कि मैं पीड़ित हूँ, और ब्लेम गेम्स करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो हम हमेशा दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि उसकी वजह से हुआ, जिसके कारण क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ नहीं पाता है, हम सिर्फ यही देखते हैं कि नहीं दूसरे की गलती है, और हम सोचते हैं नहीं हमारे साथ ही सब गलत होता है।
तो ऐसे तो आप अपनी जो फैमिली के ही लेसन है वही नहीं लर्न कर पा रहे हैं, तो फिर तो दुनिया के लेसन कैसे लर्न करेंगे, जो आपको फ्रेंडशिप से लेसन मिल रहे हैं, जो आपको आपकी जॉब लाइफ से मिल रहे हैं, जो आपको पर्सनल लाइफ से मिल रहे हैं, तो वो लेसन आप कैसे लर्न करेंगे जब तक आप फैमिली के लेसन नहीं लर्न कर पा रहे। आपने जो अपने मम्मी पापा भी चुने हैं इस लाइफ टाइम के लिए, उसके पीछे भी पर्पस है कि आपको कुछ उससे कुछ सीखना था। जो चीज़ें आपको अपने मम्मी पापा से बुरी लगती हैं या ग्रजेस लगते हैं, उनको अपने अंदर तो बदलाव करना है। यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ हमारा बदलाव, हमारी ग्रोथ, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है हर चीज़ से। आपको हर चीज़ ऐसे देखनी है, कुछ भी सिचुएशन हो, कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट है। और जब आप सीखने की उसमें आ जाएंगे ना, माइंडसेट में, तो आप किसी से ग्रजेस होल्ड नहीं करेंगे, किसी से वो बुरी गांठें नहीं, कड़वाहट नहीं रखेंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, ये मेरा लेसन है, ये मुझे कुछ सीखना है, और फिर आपको उनको माफ़ करना भी आसान हो जाएगा। तो जो लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा से ही ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, उन्हें अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए, आप कितने भी धर्म कर्म पुण्य का काम कर लें, कितने भी पैसे दान कर लें, कुछ भी कर लें, पर आप इस जर्नी तो क्या किसी भी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आपकी सिंपल स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल जर्नी हो, चाहे पर्सनल जर्नी हो, चाहे माया की दुनिया की जर्नी हो, अगर आप अपने मम्मी पापा को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें माफ़ करके उन्हें कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं 100%, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो अब आज की वीडियो में तो मैं यही बोलूँगी, आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें अपने मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का, जो भी आपकी फैमिली है, और ये देखिए कि उससे क्या चीज़ें हैं, क्यों आपको ये फैमिली मिली, उसका भी कोई पर्पस है, वो ढूंढिए। और दूसरी बात, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए। और पर्सनल गाइडेंस के लिए और एनर्जी हीलिंग के लिए आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ठीक है, धन्यवाद।